माई चैनल आई एम बैक विद अनदर लिपस्टिक वॉच वीडियो आपको टाइटल से ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई फेवरेट लिपस्टिक्स दैट अकॉर्डिंग टू मी आर मस्ट है सीजन वैसे तो लिपस्टिक का कोई सीजन नहीं होता बट स्पेसिफिकली दीज शेड लुक वेरी फ्लैटरिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन और फॉल सीजन

नाउ कमिंग बैक टू टू डेज वीडियो जो भी लिपस्टिक्स में आपको दिखाऊंगी वो सारी ही अफोर्डेबल कैटेगरी हैं बारिंग वन सिर्फ एक लिपस्टिक है जो हाइन ब्रांड से है बट मैंने उसका साइज़ लिया था तो वो भी मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिली थी सो ऑल दिस लिपस्टिक्स आर वे रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड द स्टार्ट फ्राम रुपीज वन हंड्रेड तो प्राइस वाइज काफी अफोर्डेब है एंड आई एम श्योर आपको इनमें से कोई न कोई शेड अपने लिए जरूर पसंद आ जाएगा कीपिंग द विंटर सीजन इन माइंड मैंने इन लिपस्टिक्स को चुना है दैट मीस इन सबका ही फॉर्मला बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा लिप्स पे और मैं सारे ही लिपस्टिक्स के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दूंगी सो मे श्योर यू चेक इट आउट नाउ विदाउट फर्द्यू स्टार्टिंग विदर्ट लिपस्टिक दिस इज दिलेटिन कलर ऑफ मैथ लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड चौको बाइट दिस इज हाउ इट लुक्स इट्स अ वेरी डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर मैं आपको इसका हैंड्स वॉच दिखाती हूं दिस इज द शेड ऑल दो द मार्केटेड एज अट लिपस्टिक बट इट इज लाइक अ क्रीमी मैट लिपस्टिक तो इसका फॉर्मुला एक क्रीमी मैट की तरह होगा इट विल बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स और इसका फॉर्मुला बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है इस लाइक का स्ट्रेटअप चॉकलेट ब्राउन कलर जो की मोस्टली हर स्किन टोन को सूट करता है और इस तरह का ब्राउन शेड स्पेशली बिटर्स में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हर स्किन टोन पे और इस लिपस्टिक का एमआरपी है हंड्रेड रुपीज बट अगर आपको इसे और डिस्काउंट पे लेना है सो इट अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन सोट लिपस्टिक नेक्स्ट लिपस्टिक दिस इज बाय एंड वाइल्ड एंड दिस इज फ्रॉम देयर सिल्क फिनिश रेंज और इसका शेड है डार्क वाइन एज दट इज अ डार्क वाइन शेड एंड दिस इज हाउ द बुलेट लुक्स लाइक मैंने इसको आपके साथ अपने था में किया था

और अगर आप इसको डिस्काउंट पे लेंगे तो आई थिंक आपको हंड्रेड रुपीज के आसपास मिल जाएगी ये अगेन अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन एंड अ वेरी गुड शेड टू फॉर दिस दिस विंटर्स दैट्स द द सेकंड लिपस्टिक लिपस्टिक मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अगेन वन ऑफ माय फेवरेट इज बाय स्विस ब्यूटी एंड दिस इज द स्विस ब्यूटी सॉफ्ट मैट लिप क्रीम और ये शेड है जीरो फोर सैलमन ऑल दो नेक्स की और मिसक्लेर की ऐसे भी काफी अच्छी होती है बट आई फाउंड इसका पिगमेंटेशन उन सब में ही सबसे ज्यादा अच्छा है मेरे पास इसके दो शेड्स हैं और दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड स्पेशली दिस शेड इज अ वेरी वर्सिटाइल रेड शेड कैन यू गाइस द पिगमेंटेशन एंड दिस इज द शेड इट्स लाइक अ ब्राइट रेड शेड इसमें बहुत ही स्लाइटली ऑरेंज टोन्स है सो अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल शेड एंड डेफिनेटली आई मस्ट है और इसका प्राइस है वन नाइन नाइन रुपीज लाइक इट सेवन अंडर रुपीज टू हंड्रेड ये वैसे ही बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है बट अगर आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नाइका पे, पे मिल जाए देन यू कैन गेट इट अंडर वन सेवेंटी ऑल्सो इसकी एक खास बात यह है बहुत ही मूझी टेक्स्चर है इसका बट इसको लगाने के कुछ देर बाद जब सेटल डाउन हो जाती है हमारे लिप्स पे देन इसके फिनिश लिप्स पे बिल्कुल एक लिक्विड लिपस्टिक की तरह तो आती है बट एट द सेम टाइम इट फील्स वेरी कंफर्टेबल लाइक अ लिप क्रीम सो तो देट्स माई नेक्सपेक्ट

अ डीप डार्क पर्पलिश वाइन शेड एंड स्पेशली मीडियम टू डीप स्किन टोन पे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ऑल दो इन सभी लिपस्टिक्स को आप किसी भी सीजन में पहन सकते हैं बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्पेशली दीज शेड्स लुक वेरी फ्लैटरिंग ऑन आर इंडियन स्किन टोन सो दिस इज द फोर्थ शेड ये मेरी साइज तो अभी अवेलेबल नहीं है हम लोगों के लिए बट इसका फुल साइज जो आता है दैट इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल इसका एमआरपी है टू हंड्रेड नाइंटी नाइन रुपीज तो ये थ्री हंड्रेड रुपीज में इजिली आपको मिल जाएगी तो ये भी काफी अफोर्डेबल है और अगर आप इसको डिस्काउंट पे लेंगे तो ये आपको इजिली टू हंड्रेड फिफ्टी रूपीज के अंदर मिल जाएगी सो अगेन अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन दैट्स माई नेक्स्ट पिक वो वी वॉन्ट द नेक्स्ट लिपस्टिक दिस इज अगेन बाय मेबली और ये है मेबली सुपर स्टे इन क्रेन एंड दिस इज इन द शेड फिफ्टी फाइव मेक इट हैपन आई जस्ट शो यू द स्वॉच दिस इज द शेड इसमें पिंक के अंडरटोन ज्यादा है इट्स लाइक अ डीप डार्क पिंक शेड ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है वेट एंड वाइल्ड के बट इन दोनों की फिनिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि बेट एंड व्हाइट की लिपस्टिक एक सेल्फ फिनिश लिपस्टिक है तो इसमें काफी ज्यादा आपको शीन देखने को मिलेगी बट दिस सुपर स्टे इंक दिस इज लाइक अ क्रीमी मैट फिनिश बट ये आपके लिप्स पे सेटल होने के बाद एक फुल्ली मैट लिपस्टिक की तरह लगता है ऑल दो इट ट्रांसफर्स बट ये लिप्स से मूव नहीं होती है अनलेस एन एंटिल यू रिमूव इट नाउ दिस रिटेल्स फॉर रुपीज फाइव नाइनटी नाइन विच इज अप्रोक्सिमेटली सिक्स हंड्रेड बट मैंने इसको जब भी लिया है डिस्काउंट पे ही लिया है और ये मुझे फाइव हंड्रेड रुपीज की अप्रोक्सिमेटली मिल गई थी और इजिली आपको नाइका पे डिस्काउंट पे मिल ही जाएगी एंड स्पेशली जब भी सेल चलती है नायका पे मोस्टली सारी ही लिपस्टिक सेल पे रहती है तो इनमें आपको टेन ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट तो ही जाएगा सो दैट्स माई नेक्स्ट पिक वो टू द लास्ट लिपस्टिक दिस इज द स्मैश बॉक्स ऑलवेज ऑन लिपस्टिक मिनी डुओ एंड दिस इज इन द शेड बॉस और ये मैंने आपको अपने आई थिंक लास्ट लास्ट नायका हॉल में दिखाया था इसमें एक शेड आया था ये बॉस और दूसरा शेड था गुलाबे दैट्स लाइक अ पिंकी न्यूड शेड तो ये शेड जो है प्रॉपर रेड शेड और वैसे तो ये हाई एंड ब्रांड है बट मैंने इसको एक डुओ में लिया था और ये मिनी साइज की है प्राइस मुझे पड़ा फोर नाइन रुपीज विच इज लेस फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड रुपीज में अगर आपको एक लिपस्टिक मिल रही है brand, Now, ये कैमरे पे थोड़ा ज्यादा ऑरेंजिश लग रहा है बट ये एक डीप रेड शेड है विद पिंक इट ये रेड शेड इस तरह का है कि हर स्किन टोन पे चाहे कोई भी अंडरटोन हो ये बहुत ज्यादा सूट करेगा नो इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक बट इसका भी फॉर्मूला इज लाइक अ लिप क्रीम मैंने अभी अपने लिप्स पे यही लगा रखा है एंड इट्स मोर देन थ्री आर्सो और ये लिपस्टिक अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हुई है और मुझे अपने लिप्स पे बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं हो रही है आई डोंट फील लाइक आई एव अपलाइड एनीथिंग ऑन माय लिप्स और ये ट्रांसफर प्रूफ भी है because it's a liquid lipstick. और अगर आपको इसका फॉर्मुला ट्राई करना है मिनी साइज फर्स्ट यू कैन बाय द फुल साइज इफ यू वॉन्ट सो दैट्स माई लास्ट पिक सो दो अकॉर्डिंग टू बी आर आस्ट है कमिंग विंटर्स आई होप आपको इनमें से कोई ना कोई शेड अपने लिए जरूर पसंद आ गया होगा एंड दे आर क्वाइट बजट फ्रेंडली एज वे ऑल्सो लेटी नो इन दॉमेंट सेक्शन बिलो आपके पास इनमें से कौन कौन से शेड्स है